गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास फोर्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा डार्क हो गया है, तो इसमें जो चैप्टर नंबर 17 है वो देखते हैं, तेजल इन अहमदाबाद। तो जो तेजल करके एक गर्ल है उसके बारे में स्टोरी। आई केम टू अहमदाबाद अ मंथ अगो फॉर माई मदर्स ट्रीटमेंट। तो जो अहमदाबाद के लिए वो आई है एक मंथ पहले, उसकी जो मॉम है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जो उसके मम्मी है वो हॉस्पिटल में दाखिल है। द बिग सिटी अहमदाबाद। आई हैव स्लोली गोट यूज टू द सिटी। तो वो धीरे धीरे सिटी में एंटर करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन माय मदर एंड आई गोट ऑफ द ट्रेन एट द अहमदाबाद स्टेशन। इट वॉज सो क्राउडेड। आई क्विकली काउट होल माई मदर्स हैंड। तो उसको याद है जब वो यहाँ पे एंटर करते हैं, ट्रेन से उतरते हैं अहमदाबाद में, वहाँ पे ढेर सारे मतलब क्राउडेड मतलब क्या कि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और शोर शराबे वाला इलाका होता है। तो वो थोड़ी डर जाती है, तो वो क्विकली अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। जो उसके मामा थे वो उसको कैसे ढूंढेंगे वो सोच रही है। जस्ट देन उसके बाद आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड तेजल। आई टर्न बैक एंड दिस वॉज मामा। तो वो सोच रही थी, उसके बाद ही उसको पीछे से आवाज़ आई कि तेजल। तो वो उसके मामा थे, ठीक है, पीछे से। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेयर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। तो वो स्टेशन से आगे गए और मामा के घर के पास वो जा रहे थे, ठीक है। बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर। तो वहाँ पे ढेर सारे क्राउडेड मतलब कि बहुत अड़ा ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। देर वॉज मैनी हंस लाइंड अप ऑल अलोंग नैरो स्ट्रीट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रीट है ना, ये रस्ते पे, ठीक है, मतलब कि ऐसे सड़क के आसपास इनका जो घर है। वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। तो वो वॉक से मतलब कि पैदल ही अपने मामा का हाउस जो रीच करते हैं। मामा मामी एंड देयर टू डॉटर्स एंड सन ऑल लिविंग इन वन रूम। जो मामा थे, फिर मामा की वाइफ थी मामी, एंड उनके जो दो डॉटर थे वो, एंड उनका एक सन था, वो सभी एक रूम में रहते थे। नाउ आई टू लिव इन हीयर विद देम। तो वो भी उनके साथ यहाँ पे रहने आई थी। इट इज़ हियर दैट वी सीट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। तो यहाँ पे जो एक ही रूम में ये सब करते थे, बैठते थे, सोते थे, जो उनका भोजन था और जो वॉशिंग का जो सब था वो सभी एक ही रूम में होता था। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज ओनली वन रूम। तो जो उनका घर विलेज में था वो भी एक ही रूम वाला था, ठीक है। बट वी हैव सेपरेटेड प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। तो जो उनका गाँव में घर था तो उसमें उन्होंने इलाके बांट लिए थे, ठीक है, कि कुकिंग का अलग, बाथिंग का अलग। वी ऑल्सो हैव अ कोर्ट यार्ड। तो उनके वहाँ पे कोर्ट यार्ड भी था, जिसे हम आंगन कहते हैं, वाटर। अब वाटर की जो डिस्कशन है उसके बारे में। रुतवा मामी एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फील वाटर। तो जो रुतवा थी और मामी और जो तेजल थे वो 4 बजे एवरी मॉर्निंग उठ जाते थे, ठीक है, पानी जो पब्लिक में जो टैप था, नल था, वहाँ से पानी भरने के लिए। ओह नो, यू विल नॉट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे पानी के लिए भी फाइट्स वगैरह होती हैं, झगड़े होते हैं। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फील वाटर फॉर द डे। अगर वो थोड़े से भी टाइम के लिए लेट हो जाते हैं तो उनको पूरे दिन का पानी नहीं मिलता। देर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। तो अब वो उसके गाँव के बारे में बता रही है कि जो उनके गांव में भी टैप नहीं है, मतलब कि उनके गांव में भी ऐसे ही प्रॉब्लम है कि पानी, देर इज़ नो टैप मतलब कि वहाँ पे नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। तो जो उनका पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पे वो पानी भरने जाते हैं। इट टेक्स 20 मिनट टू वॉक टू इट। तो उनको 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, चलने का जो टाइम। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। तो समर में क्या होता है कि सूखापन आ जाता है, कि जो तालाब है वो सूख जाता है। Then we have to walk for almost an hour to the river to get water. तो पानी सूख जाता है तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो रिवर पे जाते हैं, ठीक है, पानी भरने के लिए नदी पे। तो उनको 1 घंटा लगता है। But in the village there were no fights for water. तो ऐसी सिटी में जैसे कैसे ये झगड़ रहे हैं, तो ऐसे विलेज में ये झगड़े वगड़े नहीं करते हैं, ठीक है, पानी के लिए। In the street where mama lives there is the toilet at one end. तो जहाँ पे जो मामा रहते हैं स्ट्रीट में, जो सड़क वाला जो इनका इलाका है,
तंग सड़क वाला इलाका, तो वहाँ पे जो टॉयलेट भी एक है, ठीक है, एवरी वन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सभी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड इन द बिगनिंग, आई फेल लाइक वॉमिटिंग। तो स्टार्टिंग में उसको वॉमिटिंग जैसा भी हुआ, ठीक है। एट टाइम्स देर इज़ नो वाटर, तो वहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम होती है। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, तो वो खुद जाते हैं तब पानी वगैरह ले जाते हैं। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, तो ये सब यूज़ उनको आ गए। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेस। तो अब वो विलेज के बारे में बता रही है, विलेज में टॉयलेट की क्या सुविधा है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि विलेज में ओपन में चले जाते हैं, ठीक है, और जो फील्ड्स वगैरह तो वहाँ पे चल जाते हैं। मैन और वुमेन का दोनों का अलग अलग जो इलाका होता है। अब लर्न है सीखने का, एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। एट फर्स्ट आई वॉज सो टू सेक्रेट टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। तो वो डेली अपनी मॉम को मिलने हॉस्पिटल में जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो थोड़ी डर गई थी कि भीड़ भाड़ वाला इलाके में जो बसेस वगैरह होती हैं। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, तो उसने कभी ऐसा यूज़ नहीं किया था। आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा डर वगैरह लगा, ठीक है। आप भी कह कैसे स्टार्टिंग में स्कूल आते हो तो आपको डर लगता है, फिर एक दो वीक हो जाता है, मंथ हो जाता है, फिर आपको भी इजी रहता है, ठीक है। इसी तरह आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर टिकट, वेयर टू गेट डाउन। तो अब वो सीख गई थी कि उसको कैसे खड़ा रहना है, कैसे लाइन वगैरह में रहना है, कैसे टिकट के पैसे देने, वो सब सीख गई थी। वेयर वी स्टे देर इज़ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, तो वो वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे नज़दीक में बिल्डिंग्स वगैरह थी, ठीक है, बड़ी बड़ी। माई मामी वर्क्स इन द सेवन हाउस देर, तो जो उसके मामी थे वो जो सात घर थे वहाँ पे काम करती। सी वॉश अनटिल्स एंड क्लीन द हाउसेस, तो वो वहाँ के बर्तन वगैरह साफ़ करती थी, फिर जो कपड़े वगैरह थे वो भी वो साफ़ करती थी। उसके बाद है वन डे आई वेंट देयर विद हर, तो एक दिन वो उनके साथ जाते हैं। वैन आई फर्स्ट शो द बिल्डिंग आई थ्रू दैट इट वॉज अ वन बिग हाउस, तो वो जब हर टाइम जो बिल्डिंग को देखती है तो उसको लगता है ये एक बड़ा हाउस है। बट आई फाउंड दैट देयर वेयर मैनी हाउसेज वन और टॉप ऑन अनदर, तो वो ये भी फाइंड करती है कि एक हाउस के ऊपर दूसरा भी हाउस है, ठीक है। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेट्स, बट देर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। तो वो डर गई, ठीक है, वो थोड़ी डर गई कि अब इतने सारे पक्षी हैं, मतलब कि जो हम पक्षियाँ कहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे चढ़ के कैसे जाएगी। तो वहाँ पे जो लिफ्ट की सुविधा होती है, ठीक है, अप डाउन जो ऊपर से नीचे जाती है। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन लाइट एंड इवन अ बेल, तो वो एक बहुत बड़ा जो केज होता है उस टाइप का होता है, ठीक है। तो जो आयरन का केज होता है कि माने जिसे एक रूम टाइप का, एक लोखंड के रूम टाइप का, ठीक है, जिसमें फैन होता है, लाइट होता है, बेल भी होता है। सो मैनी ऑफ अस गोट इट सॉरी सो मैनी ऑफ अस गोट इन टू द लिफ्ट, तो वो जितने भी लोग थे वहाँ से जाते थे। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, तो कोई एक बटन को टच करता है, मतलब कि उसको यूज़ करता है और वो ऊपर जाती है। रियली इट वॉज अ वेरी स्केर्ड इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में वहाँ पे भी उसको थोड़ा डर लगा। अब यहाँ पे कि हैज़ एनी ऑफ योर रिलेटिव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो आपके कोई हॉस्पिटल में रिलेटिव हैं, तो इसके बारे में ये सब हम वर्कबुक में देख लेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर का आएगा वर्कबुक का पार्ट, तो मैं उसके आंसर आपको भेज दूंगा, तो ये सिर्फ समझने के लिए है। अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट हर्ष हाउस, तो हर्ष करके वो है, तो उनके घर वो गए, ठीक है, साफ़ सफाई जो उसके मामी जाते हैं। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर, तो उसका जो घर था 12वें माले पे था। वॉट अ बिग हाउस, सो मैनी रूम्स, 1 to sit in, 1 to 8 in, 1 to sleep in एंड 1 to cook in, तो वो कहती है कितना बड़ा ये घर है, उसमें ढेर सारे रूम है। एक जो रूम है बैठने के लिए, एक रूम है जिसमें वो खाते हैं, एक रूम है जिसमें वो सब सोने के लिए, एक रूम कुकिंग के लिए। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, तो वहाँ पे टॉयलेट भी था। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्स हाउस, तो वो जो उनका हाउस था वहाँ पे वो ढेर बार वो साफ सफाई करने आते हैं, ठीक है। बट सी कुड वर्क इजीली, तो सॉरी इट टुक मामीज अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्स हाउस, तो उसको ऐसे लगा कि जो इनका बड़ा घर है वो उनको साफ करने में बहुत टाइम लगेगा, बट वो उसकी मामी थी बहुत ही ईजीली कर लेते हैं। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, तो वहाँ पे एक टैप था, ठीक है, नल था, तो वहाँ पे वाटर जा रहा था, बह रहा था। हर्ष हैज़ पुट अ बकेट बिलो द
टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। तो जो हर्ष करके बॉय है ना इनके घर में, तो वो नहाने के लिए जा रहा था, उसने जो नल चालू रख दिया था तो पानी भी जा रहा। देन सी हैड डाउन टू वॉच टीवी, सो मच वाटर वेस्ट वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप। तो वो जब नहाने जा रहा था तो वो टीवी देखने चला गया और वो पानी का जो नल था उसने ऑन कर दिया, तो तेजल ने देख लिया तो फिर उसको ये अच्छा नहीं लगा तो उसने बंद कर दिया, ठीक है, जो टैप था। हर्ष हाउस हैज़ बिग ग्लास विंडो, जो हर्ष का हाउस था वो बहुत ही बड़े बड़े जो कांच होते हैं ना उस टाइप के जो उसके विंडोज़ थे। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, तो उसने मामी ने उनको बताया तेजल को, देखो यहाँ से, ठीक है, नीचे देखो, आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस। तो वो मामी बता रहे हैं कि, सॉरी, तेजल बता रही, जो मामा का इलाका था, मामा जहाँ पे ये सब रहते थे, वो स्ट्रीट माने वो जो गलियाँ थी वो दिख रही थी, रास्ता और घर भी, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। तो वहाँ पे उनको पता नहीं चला था कौन सा उनका हाउस है। फ्रॉम अप देर एवरी थिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, तो वहाँ से अप से उनको सभी ऐसे छोटे छोटे खिलौने टाइप के लग रहे थे। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे आप होंगे बिल्डिंग में तो आप यहाँ का नीचे का इलाका देखेंगे तो आपको सब छोटे छोटे खिलौने टाइप लगे। आई वॉज सो क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, तो वो डर रही थी, ठीक है, नीचे देखने में उसको थोड़ा डर टाइप का लग रहा था। तो अब आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बिजी मंथ में जो पेज नंबर 31 पे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का भी लिखना है, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ऐसे, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है, सेवन नाइन क्वेश्चन है वो सब आपको लिख लेने हैं जो हमने बाकी रख दिए थे वर्कबुक में, ठीक है, जो बिजी मंथ वाला जो बर्ड्स वाला चैप्टर था, तो ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में कोई, हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लो, ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ये आपका होमवर्क है, आप कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो तेजल का जो आगे का पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है, चैप्टर का तेजल अब आगे कहाँ कहाँ जाती है उसके सारे एक्सपीरियंस, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।